नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। DACP लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली और मेडिकल वर्क में अधिकारियों की दखलंदाजी बंद करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने अनोखा प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को यज्ञ कर आहुति दे दी। इंजेक्शन, दवाई, स्टेटोस्कोप सहित कई अन्य उपकरणों को यज्ञ में डाल दिया और 17 फरवरी से हड़ताल पर जाने का फैसला भी किया। महासंघ के प्रमुख संयोजक डॉक्टर राकेश मालवीय ने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश के करीब 10,000 डॉक्टर्स शुक्रवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। 2 घंटे तक हमीदिया अस्पताल में इलाज प्रभावित रहा, लेकिन इमरजेंसी सर्विस में डॉक्टरों ने ड्यूटी की। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। तो कोई दौर शुरू नहीं हुआ है और ये चिकित्सक महासंघ में 6 विभाग हैं, जिसमें ESI है, जिसमें मेडिको लीगल है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल एजुकेशन है। तो हम भी ये चाहते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति हमारे सामने आ जाए जो इस पूरे डिपार्टमेंट को एक साथ लेके, चूंकि समस्या एक ही है हमारी, उस समस्या का समाधान कर दे, ठोस निराकरण हो जाए। बातचीत का दौर तो हम लगातार देख रहे हैं कि बातचीतें होती हैं और केवल झुंझुना पकड़ा के हमको वापस कर दिया जाता है। अब हम इस मूड में नहीं है, हम चाहते हैं इसका ठोस निराकरण। जो लोग हैं वो इस चीज को समझें कि चिकित्सक परेशान है, चिकित्सक परेशान है तो चिकित्सा परेशान है। और आप देख रहे होंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में जो तक जितने भी जिले अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ 30-30% पर 35-35% पद खाली पड़े हुए हैं, जिसका पूरा खामियाजा जो है वो जनता भुगत रही है। लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये कमियां उनकी तरफ से हैं। इस कमियों का जो भार है वो चिकित्सकों पर डालते हैं और हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो जिला अस्पताल हैं या जो मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पर गरीब जनता ट्रीटमेंट लेती है, ना कि कोई बड़े बड़े अधिकारी जो कि 5 स्टार में जाके अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं। उन लोगों के लिए ही हमारा ये आंदोलन है। आपने प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति को इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।